हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लज्जत तबस्सुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान सॉस। शेजवान सॉस को चाइनीज़ रेसिपी में डालकर बनाया जाता है और ये खाने में तीखी और चटपटी होती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम रेड चिली, 2 टीस्पून टोमेटो केचप, 2 टीस्पून सोया सॉस भी चाहिए, 2 टीस्पून विनेगर, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने फाइन चॉप किया हुआ है, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और 15 लहसुन की कलियां जिसे मैंने फाइन चॉप कर दिया है। अब मैं इसे पानी में भिगोने जा रही हूँ। मैं इसे गर्म पानी में एक बॉइल लेके भिगो के रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी हैं तो आप इसकी बीज निकाल कर तब इसको भिगोएं। मैंने मिर्च कम तीखी ली थी इसलिए मैंने इसके बीज को नहीं निकाला है। अब हमें 30 मिनट्स हो गए हैं तो अब हम अपनी मिर्च निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे। मिर्च ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इसको मिक्सर में डालकर ग्राइंड करेंगे। आप इसका पानी ना फेंकें, ये पानी भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी पानी को हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम अपना पैन रखेंगे। पैन में हम 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसमें अपने चॉप किए हुए लहसुन डालेंगे और जिंजर डाल देंगे हम अपने। अब हम इसको चलाएंगे 2 मिनट के लिए। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था हम पेस्ट डाल देंगे इसमें, जैसे ही लहसुन थोड़े ब्राउन होने लगेंगे। हमने चार को में हल्का सा पानी डाल के उसको भी साफ कर लिया है। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे। जैसे ही बॉईल आने लगेगा हम फ्लेम इसका मीडियम कर देंगे। अब हम इसको चलाएंगे। आप इसका पेस्ट अगर थोड़ा मोटा रखना चाहती हैं तो आप मोटा भी रख सकती हैं, वो भी आपके पसंद के अकॉर्डिंग है। मैंने इसको पतला रखा है क्योंकि मुझे मोटा पेस्ट पसंद नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे और हम 5 मिनट के लिए इसको बंद भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे ये भुनने लगेगा इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, पर हमें इसे चलाते रहना है। अब हमारे पास जो हमारी ब्लैक पेपर थी वो भी हमने इसमें डाल दी है और अपना सॉल्ट भी हमने इसमें डाल दिया है। और 1 टीस्पून शुगर थी वो भी हमने इसमें डाल दी। अब हमारा विनेगर बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। हमारा टोमेटो केचप और सोया सॉस, जितपून अजीनोमोटो है। अगर आपको मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए तो आप अजीनोमोटो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए अभी भुनने लगा है तो इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है धीरे धीरे। अब हम इसको थोड़ा और भुनेंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। सोया सॉस डालने से इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसको चलाते रहेंगे, डालकर छोड़े ना बिल्कुल भी, आप इसे चलाते रहें। अब बिल्कुल ये तैयार है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारी शेजवान सॉस बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आप इसे पकोड़ों के साथ खाइए, अपनी चाइनीज़ रेसिपी में डालिए, किसी में भी डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।